नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंट वायरसेस के बारे में कि कौन सा वायरस किस देश से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें हमने पूछा है कि कौन सा वायरस किस देश से शुरू हुआ या किस देश में सबसे पहले फैला था। तो हम शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नोबेल कोरोना वायरस किस देश में फैला हुआ है। दोस्तों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, इसका सही आंसर है चीन। चीन देश में नोबेल कोरोना वायरस सबसे पहले फैला था। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंता वायरस सबसे पहले किस देश में फैला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, चीन, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप टिक कर लीजिए, बाकी इसका मैं सही आंसर आपको बता देती हूँ। जो हंता वायरस है सबसे पहले साउथ कोरिया देश में फैला था। ठीक है दोस्तों, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोरो वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर अगर आप लोगों को पता है तो उस ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका देश में नोरो वायरस सबसे पहले फैला था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला वायरस सबसे पहले किस देश में फैला। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको आंसर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांगो, यानी कि कांगो देश में सबसे पहले इबोला वायरस फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्टलैंड वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था। नीचे ऑप्शंस हैं, चीन, जापान, अमेरिका, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका देश में हार्टलैंड वायरस सबसे पहले फैला था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निप्पा वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था। ऑप्शन है भारत, मलेशिया, बांग्लादेश, चाइना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया। ये जो निप्पा वायरस है सबसे पहले मलेशिया देश में फैला था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बर्ग वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था। ऑप्शन अमेरिका, जर्मनी, जापान और लास्ट ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी देश में मार्बर्ग वायरस सबसे पहले फैला था। अब है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट नील फीवर किस देश में सबसे पहले फैला था। ऑप्शन अमेरिका, युगांडा, साउथ अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन या सही आंसर जो हम कहेंगे वो ऑप्शन बी, युगांडा। युगांडा देश में सबसे पहले वेस्ट नील फीवर वायरस फैला था। अब है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, लासा फीवर वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था। ऑप्शन चीन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप इन चारों ऑप्शन में से अपना सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया देश में लासा फीवर वायरस सबसे पहले फैला था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैली फीवर सबसे पहले किस देश में फैला था। ऑप्शन इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैली फीवर वायरस सबसे पहले जो फैला था वो फैला था अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्न होम बीमारी सबसे पहले किस देश में फैली थी। इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यहाँ पर दोस्तों बीमारी बोली गई है बॉर्न होम बीमारी, यह भी किसी वायरस की वजह से होती है, और ये जिस वायरस की वजह से होती है वो सबसे पहले कौन से देश में फैली थी। तो उसका ऑप्शन है आंसर सी, डेनमार्क, यानी कि डेनमार्क में सबसे पहले बॉर्न होम बीमारी फैली थी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम बीमारी सबसे पहले किस देश में फैली थी। ऑप्शन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका। लाइम बीमारी सबसे पहले अमेरिका देश में फैली थी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियन वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था। ऑप्शन केन्या, अर्जेंटीना, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अर्जेंटीना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अर्जेंटीना में जूनियर वायरस सबसे पहले फैला था। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो वायरसेस के बारे में है वो है, रिफ्ट वैली फीवर वायरस सबसे पहले किस देश में फैला था? ऑप्शन है अर्जेंटीना, अमेरिका, केन्या और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केन्या। केन्या में रिफ्ट वैली फीवर वायरस सबसे पहले फैला था। तो दोस्तों यह हमारी वीडियो थी, डिफरेंट वायरस जो किस किस देश से शुरू हुए हैं या सबसे पहले कहाँ फैले हैं उनके बारे में थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।